कहते हैं प्यार अंधा होता है, जोड़ियां ऊपर वाले के यहाँ से बनकर आती है। हमारा आज का ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि सच में जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। जिसका जिस पर प्रेम होता है वो आपस में एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। मिलवाते हैं आपको चार्ली और टॉम से। इन दोनों को एक दूसरे से जबरदस्त वाला प्यार हो गया और दोनों ने फिर शादी कर ली। इसके बाद चार्ली के लिए टॉम के प्यार का कोटा पूरा हो गया। उसको अपने ऑफिस में काम करने वाली एक दूसरी लड़की से प्यार हो गया, वो उसके साथ रहने लगा। इस लड़की का नाम था सारा और इसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था क्रिस। सारा जब टॉम के साथ एडजस्ट हो गई तो क्रिस ने भी एक दूसरी लड़की के साथ प्यार किया। जानना चाहेंगे वो दूसरी लड़की कौन थी? दुनिया बड़ी छोटी है जनाब, वो दूसरी लड़की थी चार्ली यानी टॉम की बीवी। और अब चारों आपस में अपने अपने करतूतों के साथ मिले तो कमाल ये हुआ कि सभी ने एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया। रिलेशन की एक नई परिभाषा लिखी गई। आने वाले बच्चों को न जाने ये कहां क्या सिखाने वाली है। भाई इस कमाल के रिलेशन पर आपका एक एक्सपर्ट कमेंट तो बनता है। आइए मिलते हैं फेमस अमेरिकन टीवी स्टार निकोल और उनके पति शकील ओनील से, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर है। लेकिन इन दोनों के बीच हाइट डिफरेंस इतना है कि इनके पति इनके सामने किसी खंभे की तरह नजर आते हैं और ये उनके सामने बच्ची सी लगती हैं। शकील ओनील की हाइट ये है पूरे 7 फुट से भी ज्यादा, जबकि इनकी वाइफ निकोल है जिसकी हाइट है 5 फुट 5 इंच। इतने बड़े फिजिकल डिफरेंस के साथ भी ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन को एडजस्ट कर रहे हैं और काफी हैप्पी कपल हैं। फ्लाविओ ब्राइटोरी इटली के एक फेमस बिजनेसमैन है। इटली की ही एलिजाबेटा ग्रेगरीसी बहुत ही खूबसूरत और फेमस मॉडल है। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं विद फैमिली। जब इन्हें मार्केट में सपोर्ट किया जाता है तो देखने वाले यही कहते हैं बहुत ही क्यूट फैमिली है। अब इन्हें देखिए, ये है डानी और मिलिंडा, जो एक दूसरे के साथ बीते 3 सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, मगर फिर भी वो एक दूसरे से फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है। इन्हें अपने रिलेशन में कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए इन्हें अपने लिए कंबाइंड हस्बैंड की तलाश थी। इन्होंने काफी रिसर्च किया, फिर इन दोनों की ये तलाश पूरी हुई जोनाथन स्टीम पर। जोनाथन ने इन दोनों से एक साथ शादी की और दोनों को अपनी वाइफ बना लिया। आज तीनों एक साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। जोनाथन ने दोनों को एक साथ 10 महीने के भीतर ही अपने एक एक बच्चे की मम्मी बना दिया। वैसे आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आपका रिप्लाई क्या होगा? यार किसी को नहीं बताना, केवल कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता देना। आई बात करते हैं हमारी आज की इस हैप्पी जोड़ी से, जेना बैंकले और बैन ब्राउन, हमारे सेल्फ मेड हैप्पी कपल। जेना 32 साल की और फेमस मॉडल है, जबकि इनके बॉयफ्रेंड बैन ब्राउन 63 साल के और एक जाने माने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों की जोड़ी का कोई मेल ही नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार हो जाए तो इन चीजों का मतलब ही नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की की 63 साल के बड़े आदमी से हुए प्यार को क्या नाम दिया जाए, ये आप हमें सोचकर बताना। तीन लड़कियां बचपन में एक दूसरे की सहेली थी और इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गाढ़ी थी कि आगे चलकर ये तीनों आपस में रिलेशन बनाकर रहने लगी। अमेरिका में रहने वाली तीनों फ्रेंड्स जिस तरह के रिलेशन में रह रही थी उसे थपल कहा जाता है। ब्रैन, किटन और डाल, ये तीनों सहेलियां एक दूसरे के साथ आगे चलकर शादी करना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि इनकी शादी लीगल हो। जब इन्होंने इस तरह के रिलेशन में रहने के लिए कोर्ट में अप्लाई किया तो अमेरिका में ऐसा कोई नियम ही नहीं मिला जिसके तहत ये तीनों शादी कर पाए। फिर इन्होंने एक लॉयर को हायर किया जिसने इन तीनों को एक साथ रहने की कोर्ट से परमिशन दिला दी। इसके लिए लॉयर ने इन तीनों के बीच कोर्ट के सामने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करवाया जिसमें लिखा हुआ था कि तीनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। एग्रीमेंट पर तीनों के साइन लिए गए। इसके बाद इनका रिलेशन उतना ही मजबूत हो गया जितना ये तीनों चाहती थी। मिले जेम्स और क्लोई से। जेम्स की हाइट 3 फुट 3 इंच है, क्लोई की हाइट 5 फुट 8 इंच है। जेम्स दुनिया के उन लकी हस्बैंड में से एक है जो अपनी पत्नी के सामने सिर उठाकर बात करते हैं। जेम्स एक एक्टर है और क्लोई एक टीचर। इन दोनों को इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स ने एक पब में मिलवाया था। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो काफी नर्वस थे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर घर वालों से बातचीत हो गई। घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इस तरह आज ये मैरिड कपल अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा है। आइए मिलते हैं सर्जियो मिरांडा से, ये अमेरिका के रहने वाले और इनका नाम ही इनकी खासियत है।
लेकिन इनकी जो वाइफ है वो एक्स्ट्रा रोमांटिक है, एक्स्ट्रा लार्ज भी है और एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल भी, और शायद एक्स्ट्रा फनी भी है, क्योंकि तभी तो ये अपने पति को कभी अपनी पीठ पर बैठा कर चलती है तो कभी पब्लिकली उसे गोद में उठाकर चल लेती है। एक बार एक पत्रकार ने इनसे पूछ लिया कि आपको आपके पति के साथ सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है, तो अपने एक्स्ट्रा रोमांटिक इमेज को क्रिएट करने के लिए इनके मुंह से निकला केवल सेक्स। प्यार की ये कहानी हमारे देश भारत की है। तमिलनाडु के रहने वाले सुरेश जब अपने देश में नौकरी नहीं तलाश पाए तो बेल्जियम चले गए, वहाँ एक शिप में नौकरी कर ली। वही शिप में काम करने वाली सारा को सुरेश प्यार हो गया। दोनों के बीच रिलेशनशिप बढ़े और भारत आकर दोनों ने इंडियन कल्चर एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग शादी की। फिलहाल सारा बेल्जियम छोड़कर भारत के तमिलनाडु में रह रही है। इसे कहते हैं शुद्ध देसी रोमांस। पॉला ग्रैबियल और कतुशिया हुसिनो दुनिया के सबसे कम हाइट वाले कपल हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी इनका दर्ज है। इसी तौर पर इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से सोशल मीडिया साइट पर हुई और वहीं दोनों के दिलों ने एक दूसरे से इलू इलू कह दिया। ग्रैबियल अक्सर चेकिंग के दौरान कुतुशिया से फ्लर्ट किया करते थे, मगर ये फ्लर्ट उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता था। वैसे तो कोई किसी के साथ फ्लर्ट करे तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन प्यार कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो जाता है। बातों बातों में ग्रैबियल ने इन्हें प्रपोज किया और इन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, दोनों के प्यार की गाड़ी चल पड़ी। लेकिन कतुशिया कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि उनके यूट्रस का साइज नॉर्मल बच्चे के साइज से छोटा है। नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल। मिलिए थाईलैंड के रहने वाले इस जोड़े से, इनका नाम है पौनमी खान थाम और लड़की का नाम है फतसारा। इतने खूबसूरत है क्या बताऊं, अब खुद देख लो। दरअसल पौनमी के चेहरे पर एक अजीब सी बीमारी है, इसकी वजह से इनका लुक कुछ इस तरीके का है। ये अक्सर अपनी बहन से मिलने उसके घर जाया करते थे और वहीं रहते थे फतसारा, जो पहले से शादीशुदा थी। पर पौनमी फतसारा को देखते उसे दिल दे बैठा। भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी होता तो इस लड़की को देखकर प्रपोज तो जरूर कर देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े समय बाद फतसारा के पति की मौत हो गई। इसके बाद फतसारा का ध्यान पौनमी की तरफ गया और उससे उसे प्यार हो गया। पौनमी ने फतसारा के दो बच्चों के साथ उसे स्वीकार किया और आज ये हैप्पी मैरिड कपल गांव वालों की जलन की वजह से है, क्योंकि दुनिया के इस गांव में सबसे खूबसूरत बीवी पौनमी के पास है। रैन शेल्टन और जे सेल्वेज दोनों इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन दोनों के बीच भी प्यार का इलू इलू इतना जबरदस्त हुआ कि शादी से पहले ही जेस माँ बनने वाली थी। इस बीच कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया और ये लवली लव बर्ड्स जेस की माँ जॉर्जिना के घर शिफ्ट हो गए। यहाँ तक तो स्टोरी ठीक थी, मगर ट्विस्ट तब शुरू हुआ जब रेन और जॉर्जिना के बीच अट्रैक्शन पैदा हुआ और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए। रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे के दामाद और सास लगते हैं, मगर संबंध पति पत्नी वाले थे। रैन की उम्र 29 साल है, जॉर्जिना की 44 साल। इनके बीच प्यार का ये बुखार उस समय अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर गया जब दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। इस बीच रैन ने अपनी बीवी जेस को ऑफिशियल डिवोर्स दे दिया, जबकि जेस इसके बच्चे की माँ बन चुकी थी। हमें यकीन है प्यार की ये 10 कहानी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट में लिखकर बताओ ना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।